अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माही और आप सब तेरे सही तमाम दोस्त हूँ जी। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी, मैंने आप लोग को एक वीडियो में अपनी पिछली, जिसमें मैंने दाल बनानी सिखाई है, उसमें मैंने बोला था कि मैं आप लोग को बताऊँगी कि मेरे पिछले 2 हफ्ते से वीडियो क्यों नहीं आई। तो रीज़न थी वह ये थी कि हम लोग गए हुए थे फैसलाबाद, और फैसलाबाद का टूर मैं आपको कैसे ना दूँ। तब मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ क्लिप्स बनाए हुए थे अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। वहाँ पर जैसे मैं बहुत खाना बहुत ज़्यादा फेमस है ना, तो मैं ये कहने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाऊँगी कि फैसलाबाद का खाना भी बहुत ही मज़े का है। और मेरी तो काफ़ी, तो उसका मैं आपको साथ वीडियो शेयर करती जाऊँगी साथ के साथ। सबसे पहले जी, हम लोग फैसलाबाद गए। फैसलाबाद जाने के बाद हम लोग गए हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने। जब हम अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, तो अच्छे से रेस्टोरेंट का नाम है अंदरून। अंदरून बहुत ही मतलब अच्छा रेस्टोरेंट है, इस लिहाज से कि वहाँ पे देसी खाना बहुत अच्छा मिलता है। स्टूडेंट्स वहाँ पे इंजॉय करते हैं फूड को भी और कंपनी को भी अपने फ्रेंड्स की। और वहाँ पे देसी फूड बहुत अच्छा मिलता है, और वहाँ के सैंडविचेस भी बहुत अच्छे हैं। हम अक्सर सैंडविच खाते थे, और वहाँ की चाय, हाय हाय चाय। मुझे अंदरून की चाय ज़बरदस्त है, अगर आप लोग अंदरून जाए तो वहाँ की चाय ज़रूर पिए। फिर उसके बाद हम लोग गए फोक एंड नाइफ। आई थिंक नेक्स्ट डे हम लोग रेस्ट करने के बाद देन हम गए फोक एंड नाइफ। सुबह सुबह का टाइम था और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, हम लोगों ने नाश्ता करने के बजाय पिज़्ज़ा खाने को प्रेफर किया। समझ सकते हैं ना आप लोग थोड़े से, क्या कहूँगी अब। तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाने को प्रेफर किया, हम लोगों ने जाके पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। अब पिज़्ज़ा ऑर्डर करने से पहले हम लोग को समझना है कि कौन सा फ्लेवर खाएं। नींद में गए थे तो इसलिए समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा फ्लेवर खाएं। तो हम लोगों ने उनको बोला कि फोक एंड नाइफ स्पेशल पिज़्ज़ा ले आए, और वो लोग हमारे लिए फोक एंड नाइफ स्पेशल पिज़्ज़ा लेके आए। हमारी बहुत ही क्लोज फ्रेंड, मतलब हमारी फ्रेंड कम हमारी सिस्टर आई थी, हम लोगों ने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। वो वीडियो में आना प्रेफर नहीं करती, इसलिए उसकी वीडियो नहीं होगी। बाय द वे मेरी सिस्टर भी थी साथ, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फन किया। देन हम लोग गए हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का भी थोड़ा सा क्लिप है। और वो वहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे अपनी यादें हैं। मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बहुत मिस किया, लेकिन मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं वहाँ पे गई हूँ। और देन हम लोग गए मॉल, क्योंकि शॉपिंग करनी थी ऑब्वियसली।
करती जा रही हूँ कि शादी आ रही है और शादी की शॉपिंग अभी करनी है, और जैसे जैसे मैं शॉपिंग करती जाऊँगी ना उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी कोई प्लान है, कोई आइडिया नहीं कि क्या बनाना है क्या नहीं, और अभी कुछ भी नहीं डिसाइड। और शादी है 27 मार्च को, तो अभी देखो क्या होता है। उसके बाद जी हम लोगों ने सारा टूर फैसलाबाद का इंजॉय किया, आप लोग देखे क्लिप्स और आई होप आप लोग को बहुत मजे। अस्सलाम वालेकुम, सो है वी आर विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। वी आर इन फोकन नाइफ द गुलबर्ग ब्रांच, यहाँ पे न्यू ब्रांच बन गया है गुलबर्ग में फोकन नाइफ की, और यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत मज़े का होता है। तो अभी हम सुबह सुबह इधर आ गए, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर व्लॉग। कुछ शॉपिंग तो उसके लिए हम लोग के चेज़ब मॉल जो फैसलाबाद का फेमस मॉल है, इम्तियाज़ भी जा सकते थे लेकिन इम्तियाज़ हमें दूर पड़ रहा था इसलिए हम लोग के चेज़ब, और चेज़ब से जाके हम लोगों ने शॉपिंग की है। और लड़कियां और शॉपिंग ना हो ये नहीं हो सकता। और उसके बाद हम लोग ख्याम गए, ख्याम में जाके हम लोगों ने प्लेटर ऑर्डर किया। डिसाइड किया प्लेटर खाते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ हर चीज़ टेस्ट कर लेंगे। तो हम लोग थे भी आई थिंक 3 लोग ही थे, तो हम लोगों ने प्लेटर ऑर्डर किया और प्लेटर उनका बहुत मज़े का था। और ख़याम जो चेज़ब के बिल्कुल सामने ख़याम पड़ता है, तो वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। उसके बाद इस दफ़ा चागी की आइसक्रीम मिस होगी, चागी की आइसक्रीम माई ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत ही मज़े की आइसक्रीम होती है। और उसके बाद हम लोग गए सारे हंस जाऊँ और चाउमिन ना खाऊँ ये नहीं हो सकता। आज का चौमिन मतलब फैसलाबाद में आप कहीं भी घूम लें लेकिन सारे आज का चौमिन नंबर वन है, और वहाँ पे जाके हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो बात बेसिकली हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस, जो काम करने आए थे वो काम हो के, और बहुत ही मज़े का सफ़र है। पंजाब में तो ये सफ़र बहुत ही अच्छा है क्योंकि पंजाब के इर्द गिर्द जो खेत वगैरह हैं वो वाला व्यूज़, और उसके अलावा ग्रास देन ट्रीज, तो ये व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे अपना इस्लामाबाद का सफ़र याद आ गया है कि इतना मज़ा किया था हम लोगों ने। मैं अपनी फ्रेंड के साथ इस्लामाबाद गई थी और हम लोगों ने इतना फ़न किया था। आई थिंक कि जो फ्रेंड्स के साथ बंदा एक्सप्लोर करते ना डिफरेंट चीज़ों को, उसका अपना ही मज़ा आता है। अगर आप लोगों का भी कोई एक्सपीरियंस है अपने फ्रेंड्स के साथ किसी जर्नी का, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, तो अभी की वीडियो जो है ये मेरी लास्ट वीडियो है, जो मेरा टूर था टूर फैसलाबाद। फैसलाबाद को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, बहुत से रेस्टोरेंट्स में गए हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में गई हूँ और वो सारा मज़ा किया है। तो आप लोग प्रॉपर वीडियो को देखें, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अभी इतनी अच्छा व्यू नहीं आ रहा बट यू कैन कॉम्प्रोमाइज। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। अल्लाह हाफिज़। अपनों में रहें, अपनों का ख्याल रखें। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज़। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपनों में रहें, अपनों का ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।